Assalamu alaikum everyone, my name is Abdullah Khattak and I'm a second year medical student at the Aga Khan University. So bhai, aaj ki video mein I'm going to talk about how I was able to get through first year of medical school and how I was able to score 80 plus in all of my modules. So aapke saath main apna detailed experience share karunga, how I was lost in the beginning aur aista aista cheeze samajh aane lagi aur phir exams kis tarah hue and all of that. Lekin ek baat main pehle se bata dun, we have a modular system at our university. Kaafi universities jo Pakistan mein hain unme modular system nahi hota, वो सब्जेक्ट वाइज जाते हैं. मेरे ख्याल से तीन सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, और फिर आगे जाके और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो हमारे इस तरह का नहीं है, हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हमारा था जीआईटी, हमारा था ब्लड, हमारा था इन्फ्लेमेशन एंड न्यूप्लेशिया, रीनल. इन सब मॉड्यूल्स में सब सब्जेक्ट्स सारे, पैथोलॉजी हो गई, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, all of these we study module wise. तो मैं जो बात करूँगा मैं with respect to this modular system करूँगा, लेकिन अगर आपका college modular system नहीं follow करता और वो subject wise चलता है तो फिर भी आप इस video से फ़ायदा उठा सकते हैं. You can generalize all these things and use them for your own benefit. और हाँ, एक और चीज़ जो मैं पहले से ही बता दूँ कि हमारा तकरीबन 80% first year online हुआ था, क्योंकि कोविड आ गया था और हमें वापस जाना पड़ा अपने घरों. तो ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन एक अलग से स्टोरी है, ठीक है. मतलब क्या उसमें शॉर्टकमिंग्स होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, उसके बारे में भी मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा. अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का इन पर्सन ही चल रहा होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो गए हैं. मैं भी अपने हॉस्टल रूम में ही बैठा हुआ हूँ, हमारे लिए भी इन पर्सन क्लासेज चल रही हैं. सो या, इसका भी बीच में मैं बताऊँगा कि किस तरह एक्सपीरियंस था ऑनलाइन, एंड आई एम गोना गो थ्रू ऑल ऑफ इट इन डिटेल. और हाँ, दिस इज़ माई न्यू चैनल स्टडी विद खटक. तो आज के बाद से मैं अपने तमाम एजुकेशनल कॉन्टेंट, बी एट मेडिसिन वीडियोज, एम कैट, कोई भी स्टडी रिलेटेड फोकसिंग टिप्स, कोई भी चीज़ जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो इस चैनल पे आएगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू फॉलो मी फॉर एजुकेशनल स्टफ. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट, आर यू लॉस्ट इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ मेडिकल स्कूल. क्योंकि मुझे तो याद है जब मैं पहली दफ़ा आया था, मैं देख रहा था अपने सराउंडिंग्स में लोगों को, सीनियर्स को, इतना ज़्यादा वो किस तरह पढ़ रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं. हाउ आर दे एबल टू फोकस, हाउ डू दे नो हाउ टू स्टडी, हाउ डू दे नो वेयर टू स्टडी फ्रॉम, और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत शुरू में लगेंगी कि यू जस्ट कैन फील लॉस्ट, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. काफ़ी दफ़ा तो स्टार्ट में मुझे ये भी लगता था भाई, आई एम नॉट मेड फॉर मेडिसिन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ वापस. आई थॉट अबाउट क्विटिंग अ लॉट पहले स्टार्ट में, ठीक है. तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है एंड यू फील लाइक यू डू नॉट बिलोंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको हो रहा है, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे, Do not worry, trust me, it happens to majority of people, it happened to me too. तो डरिएगा मत, ठीक है, it's gonna go away and let me tell you what I did to overcome this feeling. So the first thing you should do is obviously speak to your seniors, अपनी seniors से बना के रखो, they are the ones who are gonna guide you, जो आपके immediate seniors हैं सबसे ज़्यादा उनसे बना के रखो, और फिर उससे बाकी जो seniors हैं उनसे भी बना के रखो. Talk to them, कोई भी confusion है ask them, क्योंकि they've literally been through what you're going through right now. और जहाँ तक books की बात है, resources की बात है, आपको start में कुछ समझ नहीं आता कि मैं किधर से पढ़ूँ, कोई आपको ये फलानी book कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है, just don't listen to people. खुद ही आप try करें different resources and eventually you're gonna find what resource works for you. और आपको कोई भी शॉर्टकट इस बात का नहीं मिलेगा कि नहीं यार मैं सारी resources नहीं go through करना चाहता, मुझे बस बताओ कहाँ से पढ़ना है. That cannot happen. You have to go through the struggle. आपने different resources देखनी होंगी, तब आपको realize होगा कि अच्छा फलाने बंदे को guidance से समझ आ रही है लेकिन मेरे लिए guidance काम नहीं कर रही, तो मैं जो हूँ शेरवुड या कॉस्टांजो यूज़ करूँगा. ये बुक्स के नाम हैं, अभी आगे इनकी बात करते हैं, लेकिन यू गेट व्हाट आई मीन. सो गिव इट सम टाइम, दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम इज गोना गो अवे एंड यू आर गोना फिट इन. The second thing we're going to talk about is a question that I get a lot, big books or short books. ठीक है, आपको different लोग नज़र आएंगे अपनी class में, कुछ लोग जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते होंगे और कुछ लोग जो literally वो short books जो होते हैं, notes होते हैं, उनसे पढ़ते होंगे. तो आप कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई मैं बड़ी बुक्स पढ़ूँ, मैं छोटी बुक्स पढ़ूँ, मैं किधर से पढ़ूँ. तो इसका सबसे अच्छा जवाब मैं आपको यही दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले जो है बड़ी किताबें नहीं उठा सकते, ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल ये किताब है, इट्स फॉर पैथोलॉजी, रॉबिन्स पैथोलॉजी, इतनी मोटी ये किताब है और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है.
तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है और आपने पढ़ना है, तो आप ऑब्वियसली इस बुक से नहीं पढ़ोगे, आप शॉर्ट बुक्स उठाओगे. तो डू रीड द बिग बुक्स व्हेन यू कैन, व्हेन यू हैव टाइम. हम इस तरह करते थे कि मॉड्यूल के स्टार्ट में हमारे पास टाइम होता था, तो मॉड्यूल के स्टार्ट में हम इस तरह की बड़ी किताबें पढ़ लेते थे काफ़ी डिटेल में. और जो आपको एग्जाम के लिए चीज़ याद रखनी है, जो रिटेन आपको असल में होगा, दैट्स कैन बी शॉर्ट बुक्स. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ये पैथो की बुक है जो हम मॉड्यूल के स्टार्ट में पढ़ते हैं, और इसकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इससे पढ़ा हुआ है. लेकिन ये बुक है लिटरली, इसको आप कंपेयर करें इस बड़ी बुक को, इस छोटी बुक को. सो दिस इज़ द बुक दैट्स कैन हेल्प यू एक्चुअली रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द एग्जाम. इससे आपको जो इतनी ज़्यादा डिटेल है वो एग्जाम के लिए नहीं याद रहेगी. तो बिग बुक्स और शॉर्ट बुक्स का यही आपके पास वो है कि बिग बुक्स व्हेन यू कैन, व्हेन यू हैव टाइम टू स्टडी इन डिटेल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट टू मेमोराइज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू लर्न देम फॉर योर एग्जाम, यू कैन हैव टू स्टडी द शॉर्ट बुक्स. तो दिस इज़ माई आंसर टू दैट बिग बुक्स और शॉर्ट बुक्स वाला क्वेश्चन जो सब पूछते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट बुक्स आर नॉट दी ओनली रिसोर्सेज दैट यू आर कैन बी यूजिंग इन मेड स्कूल. काफ़ी लोगों के लिए किताबें काम नहीं करती, दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम बुक्स. सो यू आर कैन रिलाई ऑन वीडियोज, ठीक है, काफ़ी आगे मैं बात करूंगा क्या क्या रिसोर्सेज हैं. उसके अलावा यू आर कैन रिलाई ऑन सम एप्स, एनाटमी की कुछ ऐप्स होती हैं, एटलेसेज होती हैं जो आपको 3D में सब कुछ दिखाती हैं. उसके अलावा देर आर सर्टन वेबसाइट्स एज वेल दैट यू आर कैन बी यूजिंग. तो डू नॉट स्टे लिमिटेड टू बुक्स, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस एंड आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि सबसे अच्छी समझ आपको कहाँ से आ रही है. द थर्ड थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट इज प्रोबेबली व्हाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, मैंने कौन सी रिसोर्सेज यूज की थी फर्स्ट ईयर में. सो वी आर गोना गो ओवर दिस सब्जेक्ट वाइज, पहले एनाटमी की बात करेंगे और फिर और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे. एंड जस्ट नो कि दिस माइट सीम ओवरवेलमिंग क्योंकि किताबें हज़ारों हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हो शुरू में कि यार इतनी ज़्यादा बुक्स हैं कैसे पढ़ूंगा एंड एवरीथिंग. जस्ट नो एट द बैक ऑफ योर माइंड के वाई यू आर डूइंग दिस. यू आर डूइंग दिस टू बिकम अ गुड डॉक्टर. यू आर गोना स्टडी टू मेक श्योर कि कल आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप ब्लैंक ना हो, सो यू कैन ट्रीट दैम, ठीक है. तो वो जब आपके दिमाग में होता है ना, आप फर्स्ट ईयर से ही लेके चलते हो कि यार मैं वैसी नहीं पढ़ा, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो दैट एक्चुअली मोटिवेट्स यू अ लॉट, दैट मोटिवेट्स मी एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रिसोर्सेज आई यूज्ड इन फर्स्ट ईयर. अच्छा भाई, छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं. काफ़ी लोग, मुझे पता है आप में से प्री मेड स्टूडेंट्स भी हैं जो कह रहे होंगे भाई पहले ये तो बता दो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किस तरह लें. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. इस साल जो है MD CAT ऑनलाइन होगा और काफ़ी लोग जो है काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि यार ऑनलाइन MD CAT है, किस तरह करें, कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा. लेट मी हेल्प यू आउट. नियर पेयर एक ऑनलाइन अकेडमी है जो आपको MD CAT की तैयारी करवाता है ऑनलाइन, एंड दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2016. तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन लर्निंग में. सो नियर पीयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ फॉर यू क्योंकि MD CAT भी ऑनलाइन ही होना है. नियर पीयर की काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं. मैंने खुद दो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया था जो नियर पीयर से पढ़ के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गए थे. उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वो देखें. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जिन लोगों ने नियर पीयर से पढ़ा है एंड नाउ दे आर इन गुड मेडिकल कॉलेजेस. नियर पीयर पे 24/7 लेक्चर्स पड़े होते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, पास पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, सब 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है. उसके साथ साथ इनका एक नया फीचर है कॉल्ड द वेलोसिटी पोर्टल, जिसमें आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो टाइम्ड हैं टू मेक श्योर दैट यू कैन कंप्लीट योर टेस्ट ऑन टाइम एंड वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट. प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हो और बाद में दोबारा वापस आ सकते हो उस क्वेश्चन पे ताकि उसको सॉल्व कर सको. उसके अलावा टेस्ट के एंड पे आपको उधर ही रिजल्ट उसका मिल जाता है. उसके साथ साथ अपनी वीकनेसेस आपको वहाँ पे ही पता चल जाती हैं कि अगर आपने सी चूज़ किया है और इसका आंसर डी है तो इसका आंसर डी क्यों है, एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर मिल जाती है. वीक एरियाज़ आपको पता चल जाते हैं ताकि आप अपनी वीक एरियाज़ पर काम कर सकें और उन पर ज़्यादा फोकस कर सकें. वैसे ये पूरे MD CAT का कोर्स 15,000 का है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे यू कैन गेट इट फॉर 10,000 रुपीज़ ओनली. काउंसलर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन है एंड दे विल गेट बैक टू यू. उसके साथ साथ जो आपके डेमो क्विज है, डेमो लेक्चर्स हैं, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो यू कैन एक्चुअली चेक दम आउट बिफोर यू बाई द एक्चुअल कोर्स. लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. अनाटमी, अनाटमी से काफ़ी लोग डरते हैं, ठीक है, ग्रॉस अनाटमी की बात करते हैं पहले.
ग्रॉस एनाटॉमी के लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज यूज़ की स्टार्ट में, जिससे मुझे समझ नहीं आ रही थी एनाटॉमी से. मैं भी बहुत झूठ डर रहा था क्योंकि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. क्योंकि हम जब मेडिकल स्कूल में आते हैं तो सब हमें कहते हैं भाई ग्रेज एनाटॉमी खोलो, फलानी बुक खोलो, और ऑनेस्टली एनाटॉमी इस तरह चीज़ हो जाती है कि आप जब तक चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर सकोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. शुरू में आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते इन टर्म्स के साथ, मीडियल क्या होता है, लैटरल क्या होता है, ठीक है, वेंट्रल, डॉर्सल, एंड ऑल ऑफ दिस एनाटॉमी लैंग्वेज डज नॉट मेक एनी सेंस टू यू. तो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज थिंग्स. तो जब फर्स्ट ईयर में मैं आया, आई यूज दिस ह्यूज बुक ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बहुत मोटी किताब है, और ये सब यूज़ कर रहे थे. आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एज वेल. इट इज़ अ गुड बुक विद ग्रेट डायग्राम्स, बट अगेन इट इज़ टू मच इंफॉर्मेशन, एंड एक पॉइंट आ गया था कि मुझे इससे समझ नहीं आ रही थी. देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग कॉल एनाटॉमी लर्निंग. एनाटॉमी लर्निंग डॉट कॉम वेबसाइट भी है, और अगर आपके पास आईपैड वगैरह है, फ़ोन पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फ़ोन काफ़ी छोटा होता है, तो एनाटॉमी लर्निंग की ऐप भी है ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल प्ले स्टोर पे, और आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ. इस पर यू कैन विजुअलाइज द स्ट्रक्चर्स इन 3D. आप जो है डिफरेंट एंगल से उसको देख सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ें रिमूव करके कोई स्ट्रक्चर देख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेन का कोई पार्ट देखना है तो मैं स्कल बोन का एक पीस रिमूव कर सकता हूँ और मैं ब्रेन को देख सकता हूँ, सुपीरियर व्यू देख सकता हूँ, इन्फीरियर व्यू देख सकता हूँ. तो इट इज़ एन अमेजिंग ऐप. ऑनेस्टली आई स्टार्टेड यूजिंग एनाटॉमी लर्निंग, और उसके साथ फिर मैं किसी और रिसोर्स से टेक्स्ट पढ़ रहा होता था तो मुझे और ज्यादा समझ आ जाती थी. ग्रेज एनाटॉमी अगर आप वैसे ही पढ़े हो कि आपको बहुत ड्राई लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इफ यू आर सप्लीमेंटिंग दैट विद एन एटलस, ठीक है, लाइक एनाटॉमी लर्निंग, तो आप विजुअलाइज करोगे चीजों को, आपको एक्चुअली समझ आने लगेगी, एंड यू आर एक्चुअली गोना एंजॉय स्टडीइंग दैट थिंग. तो दिस इज व्हाट आई डिड, ग्रेज एनाटॉमी, देन शिफ्टेड टू एनाटॉमी लर्निंग विद ग्रेज एनाटॉमी एंड सम अदर रिसोर्सेज. teachmeanatomy.com आई यूज्ड अ लॉट. It is an amazing website, amazingly organized anatomy notes for different topics. Definitely check it out. आपको काफ़ी help मिलेगी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको organize किया हुआ है, and I absolutely love it. तो definitely check out Teach Me Anatomy as well. उसके अलावा कुछ और YouTube channels हैं which I used as well. Noted Anatomist, Sam Webster, Anatomy Zone, इन तीनों की videos भी हैं. तो check out all of these resources, और इनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर पसंद आएगी, एंड यू आर गोना फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. एनाटॉमी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी मुझे शुरू से बहुत बुरी लगती है. आई फाउंड इट वेरी ड्राई, ठीक है. शुरू में मैं पढ़ता था रॉस. रॉस एक किताब है जो ग्रेज एनाटॉमी मैंने जो अभी आपको दिखाई है उससे तकरीबन डबल साइज है, एंड आई हेटेड इट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और बहुत ज़्यादा ड्राई थी, ठीक है. एनाटॉमी में फिर भी मज़ा आता है क्योंकि आप विजुअलाइज कर सकते हो. फिर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड, तो आपको पता होता है कि यार ये आपके जो हैं फलांजीज हैं तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. लेकिन हिस्टोलॉजी आप पढ़ रहे होते हो, आप कहते हो अच्छा आपके बॉडी में जो है एंटेरोसाइट्स हैं, एंटेरोसाइट्स आपको नज़र नहीं आ रही, यू कैंट विजुअलाइज इट, इट्स वेरी ड्राई, यू माइट हेट इट. आई नेवर लाइक्ड इट. बट देन एक बेरेबल रिसोर्स मुझे मिल गई, दैट इज़ जिंक्वेरा. इट्स अ बुक, एंड काफ़ी उसमें अच्छा हिस्टोलॉजी के साथ फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी मिक्स की हुई है, तो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड यूजिंग. और मुझे कुछ लोगों ने लैक हुसैन की हिस्टोलॉजी की किताब है उसका भी बताया था. आई यूज्ड दैट फॉर GIT एज वेल. तो डेफिनेटली गो थ्रू बोथ ऑफ दीज बुक्स, एंड वन ऑफ देम इज़ गोना वर्क फॉर यू, यू आर गोना पास हिस्टोलॉजी, डोंट वरी. एम्ब्रियोलॉजी नाउ. एम्ब्रियोलॉजी भी मुझे ऑनेस्टली बताऊँ इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट थैंकफुली वी हैड एन अमेजिंग एम्ब्रियोलॉजी टीचर. तो उनके लेक्चर्स और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता था, मैंने इतना नहीं पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन आई यूज दिस बुक लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी. दिस इज़ ऑनेस्टली द परफेक्ट बैलेंस. कुछ लोग जो है KLM वगैरह भी पढ़ते थे, विच इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन इन माई ओपिनियन. इफ यू लाइक इट यू कैन स्टडी इट, दिस विल डू द जॉब फॉर यू. लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी, आई वेंट फॉर दिस एंड इट वर्क्ड, सो यू शुड गो फॉर दिस, ट्राई इट आउट, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू देन वेल एंड गुड. और हाँ, कुछ और एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स मुझे याद हैं कि मैंने ऑस्मोसिस की वीडियोज़ देखी थी. ऑस्मोसिस आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देता है चीज़ों का, और फिर आप वो डिटेल में कहीं और से पढ़ सकते हो. तो चेक आउट ऑस्मोसिस एज वेल. और उसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. इट्स कॉल्ड डॉक्टर रोज एम्ब्रियोलॉजी और समथिंग, आई डोंट नो. मैं दिखा भी दूंगा, मैं लिंक भी डाल दूंगा. उनके मैंने जनरल एम्ब्रियोलॉजी की वीडियोस देखी थी, एंड दे वर वेरी गुड, सो डेफिनेटली चेक दोज आउट एज वेल. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट फिजियोलॉजी. आप मेडिकल कॉलेज में पाँव रखते हो ना, तो कोई ना कोई होता है जो आपको कह देता है भाई गाइटन पढ़नी है, तो हमने फिजियो के लिए गाइटन पढ़नी है, इतनी ये मोटी किताब है. तो मैंने भी गाइटन पढ़ी थी, और या तो आपको गाइटन बहुत अच्छी लगेगी या तो आपको गाइटन बहुत बुरी लगेगी.
मैंने ट्राई की क्योंकि CVS मुझे बहुत पसंद था, तो CVS के मैंने कहा मैं गाइडेंस से पढ़ूंगा चैप्टर्स। CVS के कोई 20 चैप्टर्स थे, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ना गाइडन, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, गाइडन इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स वैसे, लेकिन टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टू एक्सटेंसिव फॉर मी। तो इसीलिए मुझे फिजियो बुरी लगती थी स्टार्ट में, बट देन आई फाउंड आउट सम मोर रिसोर्सेज एंड आई फेल इन लव विद फिजियोलॉजी। इट मे एज वेल बी वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट। बुक्स की अगर बात करें, बुक्स जो है ऑल्टरनेट जो मैंने यूज़ की गाइडन के बजाय, आई यूज कॉस्टांजो। Costanzo is a very good book. I used it throughout first year for all of my modules. ठीक है, तमाम modules के लिए मैंने Costanzo use की। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा Costanzo is insufficient, उसमें इतनी बातें नहीं लिखी हुई किसी topic के बारे में, then you can go for Sherwood. Sherwood Guyton की छोटी बहन है, ठीक है। Sherwood physiology से मैंने पढ़ा था रेस्पिरेशन एंड CVS, ठीक है, ये दोनों पढ़े थे। और अभी अभी मैंने उससे न्यूरो भी पढ़ा था थोड़ा सा। इट्स अ वेरी गुड बुक, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव एज कम्पेयर टू Costanzo, लेकिन डिटेल उसमें आपको काफ़ी मिल जाती है इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल। तो डेफिनेटली चेक आउट दीज टू बुक्स। अगर आपको गाइडन नहीं समझ आ रही तो Costanzo एंड Sherwood इज़ वॉट यू शुड गिव अ ट्राई। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि मेडिकल कॉलेज में आओगे ना, सिर्फ किताबों से आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं थ्रू आउट द ईयर यूज़ करता आया हूँ फॉर फिजियोलॉजी, एंड यू शुड लुक एट देम एज वेल। तो फिजियो के लिए तो मैं 100% रेकमेंड करूँगा निंजा नर्ड ऑन यूट्यूब। टू टाइम्स में इसके लेक्चर्स देखो क्योंकि स्लो बोलता है, और इसके ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं मुझे जो स्पेसिफिकली याद हैं। ब्लड प्रेशर के मुझे याद हैं, मुझे रेस्पिरेशन के लेक्चर्स भी याद हैं, एंड रीनल के भी मुझे याद हैं। ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फिजियो, और वीडियो से आपको ज़्यादा समझ आती है। कुछ लोग होते हैं वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, मी बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है। लेकिन किताबें खैर आपको पढ़नी पड़ेंगी फिर भी किसी पॉइंट पे, बट वीडियोस में अगर आपने फिजियो देखनी है, निंजा नर्ड इज़ द वे टू गो। डेफिनेटली चेक हिम आउट फॉर डिफरेंट टॉपिक्स एंड यू लव इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। इफ़ यू थॉट यू लेफ्ट केमिस्ट्री इन FSC और A-levels, यू आर रॉन्ग, इट्स बैक, ठीक है। तो पीपल इधर लव बायोकेमिस्ट्री और दे हेट बायोकेमिस्ट्री। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं भाई बायोकेम नहीं याद हो रही, क्या करें ये वो। तो रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो है स्टार्ट में यूज़ की थी लिपिनकॉट बायोकेमिस्ट्री, इट्स एन एक्सटेंसिव रिसोर्स। तो ऑब्वियसली एग्जाम से दो दिन पहले आप नहीं पढ़ोगे, तो लिपिनकॉट बायोकेमिस्ट्री इज़ अ गुड रिसोर्स। उसके अलावा निंजा नर्ड, अगेन उसकी भी बायोकेमिस्ट्री पे वीडियोस हैं एंड दे आर एक्चुअली गुड। तो चेक कर लेना कोई भी टॉपिक बायोकेम का हो, निंजा नर्ड ऑन यूट्यूब, एंड ही माइट एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड एंड लर्न स्टफ दैट यू कुडंट लर्न यूजिंग अ बुक। उसके अलावा कैपलिन बायोकेमिस्ट्री इज़ वन बुक दैट आई यूज अ लॉट, सप्लीमेंटेड विद कैपलिन वीडियोस, और वो एक्चुअल हाई यील्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। लिपिनकॉट में आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैपलिन जो है आपको हाई यील्ड चीज़ें पढ़ाएगा कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कैपलिन भी चेक करना बायोकेमिस्ट्री के लिए ज़रूर, दैट इज़ वन रिसोर्स दैट आई यूज्ड अ लॉट फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड इट हेल्प मी अ लॉट। तो ये तीन रिसोर्सेज मैंने आपको बता दी, एंड इन तीनों से आपकी बायोकेमिस्ट्री ऑनेस्टली कवर हो जाएगी, सो डेफिनेटली ट्राई दम। और बायोकेमिस्ट्री आपको रेपिटेशन से याद होगी, ऑब्वियसली उसमें मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक दफ़ा देख के आपको याद नहीं हो सकता, यू हैव टू रिपीट इट सेवरल टाइम्स फॉर यू टू एक्चुअली मेमोराइज इट। तो पहली दफ़ा अगर आपको याद नहीं हो रहा, डोंट वरी अबाउट इट, रिपीट करो उसको 4-5 दफ़ा, आपको याद हो जाएगा। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ क्लोजली टाइड टू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ बेसिकली आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस, पैथोलॉजी इज़ वो फंक्शंस जब ख़राब हो जाएं, और फार्माकोलॉजी इज़ ख़राब फंक्शंस जो ख़राब हुए हुए हैं उनको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो जब आपको फिजियोलॉजी आती होगी तभी आपको फार्माकोलॉजी की सही तरह समझ आएगी। इसीलिए मुझे काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस की समझ नहीं आती पाकिस्तान में कि वो फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं और फिर फार्माकोलॉजी जाके कोई थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़ा रहे हैं, जब सारी फिजियोलॉजी बच्चे से भूल जाती है। तो जब भी आपने फार्माकोलॉजी पढ़नी हुई, फिजियोलॉजी मेक श्योर यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली फॉर यू टू अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजी। द एक्सटेंसिव रिसोर्स दैट आई विल रेकमेंड फॉर फार्माकोलॉजी इज़ लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी, वो मैंने भी यूज़ की थी। कुछ लोग कैटजंग भी यूज़ करते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ टू एक्सटेंसिव, देख लेना इफ़ यू वॉन्ट टू लुक थ्रू दैट एज वेल। लेकिन आखिर में फार्मा के लिए मैंने तो नोट्स इस्तेमाल किए थे, हमारे एक बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं लिपिनकॉट से ही बेसिकली एक सीनियर ने, तो वो हम यूज़ करते हैं एंड दे आर रियली गुड। तो नोट्स ढूंढ लेना अपने लिए, और जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी प्रॉपरली जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, ताकि आपको सही तरह समझ आए। और फार्मा में हाँ बहुत ज़्यादा रट्टा मारना होता है, तो वो बार बार आप रेपिटेशन करोगे, ड्रग्स के नाम याद करने होते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हेट दैट, क्योंकि अजीब अजीब नाम होते हैं ड्रग्स के,
तो वो टाइम के साथ ही हो जाएगा, रेपिटेशन कर करके आपको याद हो जाएगा. एंड या दैट्स हाउ यू गो अबाउट फार्मा. ऑल्सो कुछ ड्रग्स मुझे याद है, मेरे ख्याल से फ्लोरोक्विनोलोन्स थे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो आई सर्च ऑन यूट्यूब, कुछ अच्छी वीडियोज़ थी जिसमें मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ से समझ आ गया. तो कोई भी जो आपका ड्रग हो जो आपको समझ नहीं आ रहा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और समथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च अप ऑन यूट्यूब, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा. अगला सब्जेक्ट है पैथोलॉजी. जिस तरह फिजियो के लिए आपको गाइटन लोग कहते हैं, तो पैथोलॉजी के लिए आपको रॉबिन्स बताएंगे लोग. रॉबिन्स वो किताब है जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी, एंड this book and it's this big. तो ये मैंने पढ़ी थी स्टार्ट में, और ये वही बात है मॉड्यूल के स्टार्ट में आपने पढ़ना है. एग्जाम से दो दिन पहले आप नहीं पढ़ोगे ये बैठ के. तो इट इज़ अ गुड रिसोर्स बट अगेन टू एक्सटेंसिव एंड यू आर नॉट एक्चुअली गना मेमोराइज anything फ्रॉम इट. एक और बुक जो आपको पैथोलॉजी के लिए यूज़ करना चाहिए इज गॉल्जन पैथोलॉजी रैपिड रिव्यू. ठीक है, इसमें पॉइंट्स के सूरत में लिखा होता है चीज़ें, एंड इट्स वेरी गुड. आपका रिव्यू बहुत अच्छा हो जाता है. इसमें टेबल्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुझे याद है. इन्फ्लेमेशन एंड न्यूप्लीजिया मॉड्यूल में डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट जीन्स याद करने थे, और इसमें वो एक टेबल की सूरत में, एंड अमेजिंग. ठीक है, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट गॉल्जन. और उसके अलावा अगर आपने जो एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिलेगा ना, दैट्स गोना बी पैथोमा. पैथोमा वो पतली सी किताब है जिसकी हालत जो है मैंने ख़राब करके रखी हुई है. पैथोमा की बेसिकली वीडियोस होती हैं, तो आप पैथोमा उठाओगे, आप एनोटेट करोगे इस पर. अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये सारी मैंने इस पर एनोटेशंस की हुई हैं. ठीक है, तो पैथोमा इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स. इट एक्चुअली हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स फॉर द एग्ज़ाम. तो डेफिनेटली चेक आउट पैथोमा. उसके अलावा वीडियोस की अगर हम बात करें, तो अगेन निंजा नर्ड की काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं कुछ पैथोलॉजीज़ पे, तो डेफिनेटली चेक आउट निंजा नर्ड ऑन यूट्यूब. ऑस्मोसिस से आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है एक डिजीज़ का. जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि डिजीज़ का सर किधर है पैर किधर है, ऑस्मोसिस की वीडियो खोलो. इट्स गोना गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द डिजीज़ एंड देन रीड अप ऑन इट इन डिटेल फ्रॉम अनदर रिसोर्स. उसके अलावा देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल अरमांडो, इसका लास्ट नेम मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश भी नहीं करूँगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो अरमांडो को भी चेक करना, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस पे. तो दीज आर द रिसोर्स दैट आई एम गोना रिकमेंड फॉर पैथोलॉजी, एंड ऑनेस्टली दीज आर मोर देन इनफ. माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं. माइक्रोबायोलॉजी में आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, और इसके लिए कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ. एक बहुत एक्सटेंसिव रिसोर्स इज लैंज. लैंज इज़ बेसिकली दिस बुक, एंड आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी बुक नहीं है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के लिए दिस इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव रिसोर्स. तो लैंज अगर आपने पढ़नी है, तो डिटेल में कोई भी ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, स्टडी इट फ्रॉम लैंज. लेकिन शॉर्ट रिसोर्सेज आपको मैं बता देता हूँ जो आपको एक्चुअली, माइक्रोबायोलॉजी भी इस तरह का सब्जेक्ट है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. जिस तरह फार्मा में अजीब अजीब नाम होते हैं, इस तरह माइक्रोबायो में जो आपके पास डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. तो उसके लिए यू नीड अ शॉर्ट रिसोर्स, एंड एन अमेजिंग रिसोर्स फॉर माइक्रोबायोलॉजी इज स्केची माइक्रोबायो. ठीक है, स्केची माइक्रोबायो बेसिकली किस तरह काम करते हैं आपको मैं समझाता हूँ. स्केची माइक्रोबायो में वीडियोस होती हैं, उसमें बंदा स्केच बना रहा होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, डिफरेंट सिनेरियो का स्केच होता है, और उस सिनेरियो में डिफरेंट जो वो चीज़ें बनाता है उसको वो रिलेट करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. कुछ नहीं समझ आया होगा, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कुछ बैक्टीरिया जो है एनकैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं. एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के स्केची माइक्रोबायो क्या करता है, वो केक वाला आपने वो देखा होगा, एक केक का कंटेनर होता है, उसके ऊपर ऐसे एक वो सा होता है, क्या लिड सा होता है, तो वो उसके ऊपर लिड लगा देता है. लिड जब होता है आपको फिर याद आता है, हाँ इस वीडियो में लिड था, तो दिस बैक्टीरिया मस्ट बी एनकैप्सुलेटेड. खैर, आपको समझ आ जाएगी, स्केची इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स, उससे आपको माइक्रोबायो एक्चुअली याद रहती है. Let's start by drawing a table, and then on top of the table we'll have our salmon dish. A little thing that we'll include with the salmon is have the tail flopping around just to give action to it so that you remember that salmonella is modal. That's a big feature. Salmonella is modal. Aur uske alawa ek short resource agar aap Lange nahi padhna cha rahe, it's MRS. MRS is microbiology made ridiculously simple. Clinical microbiology made ridiculously simple. It's an amazing resource. Usme bhi बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, और उसमें आखिर में टेबल्स बने हुए हैं, तो टेबल्स जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे आपको सही चीज़ें याद होती हैं. तो MRS is a good resource as well. फिर है community health sciences. Honestly, it's my least favorite subject, तो I am not gonna talk about it. I don't know. आपको आपका medical college बताएगा CHS कहाँ से पढ़नी है, मैं तो नहीं बता रहा, क्योंकि
आई डोंट नो. ओके अच्छा, अभी हमने सब्जेक्ट वाइज तमाम बात कर ली. अभी जनरली मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ जो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती. अच्छा, नंबर वन, BRS का सेट अपने लिए ख़रीद लेना. BRS इज दिस, ठीक है, बोर्ड रिव्यू सीरीज़ की छोटी छोटी शॉर्ट बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो दे आर वेरी अमेजिंग. इसमें क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत अच्छे लिखे होते हैं, जो हाई यील्ड चीज़ें होती हैं वो इसमें लिखी होती हैं. तो BRS ज़रूर चेक करना तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, इट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. ये वो रिसोर्स है जो आप बेसिकली एग्ज़ाम से एक एक हफ्ते पहले पढ़ोगे और इसमें तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी. मुझे याद है मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ की है फॉर MSK, फॉर GIT एज़ वेल. तो डेफिनेटली चेकआउट BRS. उसके साथ कैपलिन भी इसी तरह की चीज़ है, वो कैपलिन की भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं और कैपलिन भी ज़बरदस्त किस्म की हाई यील्ड चीज़ें आपको बताता है, रिव्यू करवाता है आपको सब कुछ. तो कैपलिन और BRS के सेट्स मैं सजेस्ट करूँगा कि ले लेना, क्योंकि उससे आप काफ़ी रिविजन करोगे एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले जो पढ़ाई होती है वो इन छोटी बुक से आपकी होगी. उसके अलावा फर्स्ट एड इज़ एन अमेजिंग बुक. लोगों को लगता है सिर्फ ये USMLE स्टेप वन इस पे लिखा हुआ है तो ये सिर्फ USMLE के लिए यूज़ करते हैं लोग, और मेरा मजाक भी काफ़ी लोग उड़ाते हैं जब स्टोरीज पे देखते हैं. बट मुझे और यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन इट्स एक्चुअली अ थिंग इन AQ. बहुत सारे जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं ये स्टार्ट से, एंड इट इज़ एन अमेजिंग रिसोर्स. ये आपको तमाम रिविजन करा देता है. और बेसिकली इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइडेड है और ये सिस्टम वाइज भी डिवाइडेड है. तो इसमें फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी का अलग सेक्शन है, पैथोलॉजी का अलग सेक्शन है, बायोकेमिस्ट्री का अलग सेक्शन है, और इसका GIT का अलग सेक्शन है, न्यूरो का अलग सेक्शन है, कार्डियोवास्कुलर का अलग सेक्शन है. तो इसमें बेसिकली आपके तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम सिस्टम्स के रिव्यू हो जाते हैं. दिस इज़ लाइक इतनी छोटी सी बुक, लेकिन इससे ज़बरदस्त किस्म की रिविजन होती है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप फर्स्ट एड अपने लिए ख़रीदो, और अगर आगे आपने USMLE स्टेपिंग ही करनी है तो अभी से अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो इट्स गना बेनिफिट यू इन द फ्यूचर एज वेल. तो डेफिनेटली गेट FA एज वेल. और ये तो किताबें हो गई. अगर हम वीडियो रिसोर्सेज की बात करें तो नजीब, आपको काफ़ी लोग बताएंगे कि डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखो. डॉक्टर नजीब की मैं अभी वीडियोस देख रहा था न्यूरो साइंसेज की, अमेजिंग वीडियोस, ठीक है. तो डॉक्टर नजीब इज़ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव इफ़ यू आस्क मी. मतलब एक एक टॉपिक जो आप खुद जो है बुक से 20 मिनट्स में पढ़ सकते हो, डॉक्टर नजीब आपको 2 घंटों में वो करवाता है. लेकिन वही 2 टाइम्स पे देखना पड़ता है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, डॉक्टर नजीब इज़ रियली गुड. न्यूरो में आपको ज़रूर पढ़ना होगा डॉक्टर नजीब, ताकि आपको सही समझ आ जाए. उसके अलावा ऑस्मोसिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. छोटी छोटी वीडियोस होती हैं लेकिन दे एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड स्टफ रियली वेल, ठीक है. ओवरव्यू बहुत अच्छा मिल जाता है ऑस्मोसिस से. उसके अलावा बोर्ड्स एंड बियॉन्ड भी एक है, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की भी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं. तो चेक आउट दीज रिसोर्सेज एज वेल. और ये मैं आपको जनरली बता रहा था, सारी रिसोर्सेज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. रिसोर्सेज की तो काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, द फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम. तो पहला जो प्रॉफ एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस होता है. सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि आपका पहला प्रॉफ एग्ज़ाम होता है, और दूसरा इसलिए क्योंकि एक महीना आपको मिलता है तकरीबन, और आपने पूरा एक साल का कोर्स रिवाइज करना होता है. और लोग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं एक्चुअली. तो लेट मी टेल यू व्हाट यू शुड डू फॉर योर प्रॉफ एग्ज़ाम. देखिए, प्रॉफ एग्ज़ाम की ये है कि इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग रेगुलरली द होल ईयर, तो प्रॉफ एग्ज़ाम आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा. आपको सिर्फ रिविजन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, एंड यू विल बी गुड टू गो. इसीलिए मैंने आपको बताया है, जो आपको बड़ी बुक्स मैंने अभी बताई सारी, वो आप प्रॉफ के टाइम पे नहीं पढ़ सकते, ठीक है. इसीलिए अगर आपने वो मॉड्यूल्स के लिए अपने बड़ी बुक्स पढ़ी होंगी मॉड्यूल के स्टार्ट में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आखिर में रिवाइज़ करने के लिए. तो मेरी तो यही सजेशन होगी, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर शुरू होता है तो कीप योर प्रॉफ एग्ज़ाम एट द बैक ऑफ योर हेड, कि यार साल के आखिर में एक बड़ा एग्ज़ाम होना है, उसमें ये सब चीज़ें आनी हैं. आखिर में एक महीने में मैं ये सब कवर नहीं कर सकता. तो इफ़ यू स्टडी रेगुलरली फॉर योर मॉड्यूल्स, आखिर में शॉर्ट बुक्स उठाओगे प्रॉफ के लिए, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज इट वेरी ईजली. सो कंसिस्टेंसी इज़ द की. मेक श्योर यू स्टडी द होल ईयर, ताकि आखिर में आपके पास जो है इतनी चीज़ें पाइल अप ना हुई हों कि आप डिप्रेशन में चले जाओ और आपसे ना हो पाए. तो स्टडी कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर बिफोर द प्रॉफ एग्जाम, 1 month बिफोर द प्रॉफ एग्जाम छोटी बुक्स उठाओ जो मैंने आपको बताई हैं, एंड रिवाइज एंड यू विल बी गुड टू गो. जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने अपनी प्रॉफ प्रिपरेशन के लिए क्या किया, एनाटमी के लिए टीच मी एनाटमी सीधा जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, अमेजिंग वेबसाइट. उसके अलावा BRS मैंने यूज़ की फॉर फिजियोलॉजी, पैथोमा मैंने यूज़ की फॉर पैथोलॉजी, माइक्रोबायो के लिए मैंने स्केची माइक्रोबायो यूज़ की,
उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने कैपलिन यूज़ की, फार्मा के लिए मैंने नोट्स यूज़ किए. तो ये सारी बहुत शॉर्ट रिसोर्सेज हैं एंड आई डिड रियली वेल इन माय प्रॉफ. दैट इज़ बिकॉज आई स्टडीड वेरी वेल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर मैंने जब बड़ी बुक्स पढ़ी हुई थी, कॉन्सेप्ट्स मेरे डिवेलप थे पहले से. ऑल आई नीडेड टू डू वॉज गो थ्रू द शॉर्ट बुक्स, शॉर्ट रिसोर्सेज आखिर में, एंड आई वॉज गुड टू गो फॉर द प्रॉफ. तो यही मैं आपको कहूँगा, पढ़ो रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो रेगुलरली. एंड या ऑल्सो वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रॉफ, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डिफरेंट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, क्योंकि पढ़ाई आप जितनी भी कर लो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि यार हाँ अभी मुझे हर एक चीज़ आती है, मैंने इतना पढ़ लिया कि बस आता है मुझे सब कुछ. आप कभी भी इस तरह नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट यू डू नॉट नो. मेडिसिन इज़ वेरी वास्ट, सही है, कभी भी आपको सारी चीज़ें नहीं आ सकती. तो इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स खोलो. एम्बॉस मुझे याद है मैंने थोड़ा बहुत किया था जीआईटी के एग्जाम के लिए प्रॉफ से पहले थोड़ा सा. तो डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स में देखो, जब आप एक टॉपिक पढ़ लो, एक सिस्टम पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो आपको कितना आता है, आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे. और दूसरी ये बात होती है, जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं ये बहुत हाई लेवल के होते हैं. फॉर एग्जांपल आप अगर अपने मेडिकल कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जो आपका होम एग्जाम है, प्रॉफ एग्जाम है, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यूएसएमएलई के, तो अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आपके जो प्रॉफ के क्वेश्चन होंगे वो आप ईजिली सॉल्व कर सकोगे. तो क्वेश्चन भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करें. बीआरएस जो मैंने आपको बुक बताई है उसके आखिर में भी क्वेश्चन होते हैं, कैपलिन जो मैंने आपको बताई है उसके चैप्टर के आखिर में भी क्वेश्चन होते हैं, तो यू कैन यूज दोज एज वेल. At this point of the video, you know all of the resources that you should use. Abhi baat karte hain how you should actually study. अच्छा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, 80% ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज ऑनलाइन फॉर अस एंड आई होप दैट्स नॉट द सेम केस फॉर यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स होती हैं, काफ़ी प्रोसीजर्स हैं जो हमने नहीं सीखे. ब्लड प्रेशर किस तरह चेक करते हैं एंड इस तरह ऑस्कल्टेशन किस तरह करते हैं, ये चीज़ें हमने नहीं की अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, यू नीड टू बी इन पर्सन टू डू दीज थिंग्स. तो आई होप आपका इन पर्सन मेडिकल कॉलेज चल रहा है और आपको ऑनलाइन नहीं करना पड़ रहा. लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेडिकल कॉलेज में आपकी पढ़ाई जो होगी वो आपकी अपनी पढ़ाई होगी. टीचर्स आपको वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना बी ऑन योर ओन स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स. तो ये बात आप दिमाग में बिठा लें पहले से कि आपने अगर पढ़ना है तो आपने खुद ही पढ़ना है, आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, सही है, फोर्स नहीं करेगा कि और पढ़ो तुम ये वो. और हाँ, जब आप पढ़ रहे होते हो तो ज़रूर ये क्लिनिकल एस्पेक्ट रखा करो अपने दिमाग में कि यार ये जो सिर्फ थियोरेटिकल आप पढ़ रहे हो ये एक्चुअली अप्लाई भी होता है क्लिनिकली, ये दिमाग में रखा करो ताकि आप बोर ना हो, ठीक है. वरना आप एक चीज़ थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, बेसिक साइंस से अक्सर लोग तंग हो जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल होता नहीं है. लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ बुक्स जो हैं बीआरएस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्लिनिकल कोरिलेट्स होते हैं, तो आपको एक्चुअली अपना आप डॉक्टर डॉक्टर लगता है कि अच्छा यार आपके पास पेशेंट आया है, उसका ये सिम्टम्स हैं, ये है, तो ये चीज़ हो सकती है. और आप किताब से पढ़ रहे हो तो आप बहुत बोर हो रहे होगे, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट दिमाग में रखा करो, अपने दिमाग में ये रखा करो कि यू आर स्टडिंग दिस टू बिकम अ डॉक्टर. लेट्स टॉक अबाउट लेक्चर्स. इनिशियली जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तो आप तमाम लेक्चर्स लेते हो, इट्स अ नेचुरल थिंग. लोग कहते हैं नहीं और मैंने पढ़ना है, मोटिवेटेड होते हैं तो तमाम लेक्चर्स जो है लेते हैं. आई डिड द सेम. लेकिन फिर कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती, कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आती है. तो ये डिस्कवर करने के लिए आपको लेक्चर्स लेने पड़ते हैं शुरू में, एंड एट वन पॉइंट फिर आपको समझ आ जाती है कि यार दिस टीचर बेसिकली वर्क्स फॉर मी, सो आई एम गोना टेक हिज और हर लेक्चर, एंड दिस टीचर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट मच, तो इनका लेक्चर मैं नहीं लूँगा. तो इनिशियली सारे लेक्चर्स लो एंड देन यू आर गोना फाइंड आउट व्हाट टीचर्स बेसिकली वर्क फॉर यू. द सेकेंड थिंग, शुड यू और शुड यू नॉट टेक नोट्स लेक्चर के दौरान या पढ़ते वक्त या जो भी है. तो यार ये अभी बहुत एक डिवाइडेड चीज़ है. कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नोट्स लेते हैं, दे लव टेकिंग नोट्स, एंड कुछ लोग जो है बिल्कुल नोट्स नहीं लेते. लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड. इनिशियली जब मैं भी मेडिकल कॉलेज में आया था मैं भी साइज ज़्यादा नोट्स लेता था. इफ़ आई लाइक शो यू डिफरेंट कलर्स के मैंने नोट्स लिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पेन्स मैं यूज़ करता था और सही मैं टाइम लगाता था नोट टेकिंग में. लेकिन देन आई स्टॉप्ड एंड लेट मी टेल यू व्हाई. तो नोट्स अक्सर जो मैं बनाता था वो मैं पीबीएल के लिए बनाता था. पीबीएल इज़ बेसिकली, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, लेकिन पीबीएल इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. आपको एक क्लिनिकल केस प्रेजेंट करते हैं
और उस क्लिनिकल केस से आपने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और अगली बार जब डिस्कशन होती है तो आपने उस क्वेश्चंस या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना होता है एक ग्रुप की सूरत में. तो दैट्स व्हाट अ पीबीएल इज. पीबीएल में मैं जाता था, मेरे पास नोट्स में सब चीज़ें लिखी होती थी और मैं वहाँ से हेल्प लेके डिस्कशन कर रहा होता था. व्हाई डिड आई स्टॉप? आई स्टॉप बिकॉज आई रियलाइज जब आप पढ़ रहे होते हो और आप साथ साथ नोट टेकिंग कर रहे होते हो तो आपकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड होती है. आप पूरा फोकस नहीं रख सकते जो आप पढ़ रहे हो उस पर, ठीक है, क्योंकि एक साइड पे आप लिख रहे हो, एक साइड पे आप पढ़ रहे हो. तो यू कैन नेवर फोकस एंटायरली ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली स्टडीइंग. एंड ये मुझे इससे भी रियलाइज हो गया था कि जब मैं पीबीएल के लिए पढ़ रहा था, हमारे पीबीएल्स बेसिकली थ्रू आउट द मॉड्यूल होते रहते हैं, ठीक है, तो पीबीएल के लिए जो मेरी पढ़ाई हो रही थी दैट वॉज नॉट हेल्पिंग मी फॉर माई एंड ऑफ मॉड्यूल एग्जाम की पढ़ाई. एंड दैट वॉज बिकॉज मेरे दिमाग में था कि यार मुझसे चीज़ें अगर भूल भी गई तो मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मैं इससे देख लूँगा, मुझे मैं कुछ ना कुछ बोल लूँगा पीबीएल में. लेकिन आई स्टॉप डूइंग दिस, आई स्टॉप टेकिंग नोट्स फॉर माई पीबीएल्स. एंड तब मुझे फिर ये था कि अच्छा, ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैंने सही तरह याद करना है. अगर तो मैंने ये सही तरह याद नहीं किया तो कल जो मेरा पीबीएल है उसमें मुझे अगर याद नहीं आई चीज़ तो मैं कुछ बोल नहीं सकूँगा और मेरे मार्क्स कटेंगे और व्हाटएवर. तो दैट मोटिवेशन बेसिकली फोर्सेस यू, अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो इसको सही फोकस्ड तरीके से पढ़ो और इसको उधर ही मेमोराइज करो ताकि कल आप बोल सको पीबीएल में. दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई डिड एंड इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि फिर मैं जो नोट्स पे रिलाई नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि मैंने इसको याद करना है हर हालत में क्योंकि मैंने कल इसके बारे में बात करनी है. तो दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू शुड डू. अगर आपको नोट टेकिंग में मज़ा आता है ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है नोट टेकिंग में. एक टॉपिक 20 मिनट का होगा, अगर आप उसके नोट्स बना के साथ साथ पढ़ रहे हो तो दैट्स गोना टेक यू लाइक एन आवर, तो तकरीबन टाइम डबल हो जाता है. यू कैन चेक इट आउट. आप नोट्स बनाओ शुरू में, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू वेल एंड गुड, इफ़ इट डज नॉट वर्क फॉर यू स्टॉप टेकिंग नोट्स लाइक आई डिड. एंड ऑल्सो या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भी सोचता था कि नोट्स बना रहा हूँ एग्जाम से दो दिन पहले मैं नोट्स पढ़ूंगा. ऑनेस्टली 3 रजिस्टर्स मैंने नोट्स बनाए थे, एक दफ़ा भी मैंने एग्जाम से पहले उसको खोल के नहीं देखा. आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं शॉर्ट बुक्स, कि आप कहते हो यार एक बुक मेरे पास पड़ी हुई है शॉर्ट बुक, मैं अपने नोट्स को क्यों देखूँ, ठीक है. अब बुक इज़ अ मोर रिलायबल चॉइस, तो दैट्स वाई यू गो फॉर द शॉर्ट बुक्स इंस्टेड एट द एंड. तो देख लेना, नोट्स बनाओ शुरू में, काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो स्टॉप टेकिंग नोट्स. हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी? बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं. ऑनेस्टली देर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर, ठीक है. अ गुड स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली जब आपका कोई लेक्चर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में जो लेक्चर्स हुए हैं, मैं ये गोल सेट करता हूँ कि आज ही वो मैंने घर जाके खुद इसको कवर करना है, ताकि आखिर में आपके पास चीज़ें पाइल्ड अप ना हो. थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलरली पढ़ो. सेट स्मॉल गोल्स फॉर योरसेल्फ कि यार मैंने अच्छा ये चैप्टर ख़त्म करना है, इसके बाद मैं जाऊँगा फुटबॉल खेलने या दोस्तों के साथ बाहर जाऊँगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मेरा एम एस के मॉड्यूल हुआ था मस्कुलोस्केलेटल, उसमें मैंने रेगुलरली नहीं पढ़ा था क्योंकि सम शिट हैपेंड बेसिकली एंड अ लॉट ऑफ स्टफ वॉज पाइल्ड अप एट द एंड एंड इट वॉज नॉट अ गुड टाइम, ठीक है. मुझे एक हफ्ते में पूरा मॉड्यूल बेसिकली कवर करना था. तो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, स्टडी रेगुलरली एंड स्टडी रेगुलरली, दैट्स इट. यू माइट ऑल्सो आस्क इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं मैं कहाँ से पढ़ूँ. ये आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया कि आप खुद ही डिस्कवर करोगे, डिफरेंट रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि मेरे लिए ये रिसोर्स काम कर रही है. डू नॉट केयर अबाउट वॉट योर फ्रेंड्स से, शायद आपका दोस्त अहमद जो है उसके लिए गाइडन काम कर रही हो, लेकिन नहीं, अगर आपको गाइडन नहीं समझ आ रही, डजेंट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, इट जस्ट मीन्स दैट यू नीड अ डिफरेंट रिसोर्स. तो डिस्कवर वॉट वर्क्स फॉर यू. अभी कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं. हाउ टू मैनेज योर सोशल लाइफ विद मेड स्कूल. ऑनेस्टली ये नहीं करना, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस के तौर पर ले लो कि आपने अपने को कमरे में बंद कर लिया, मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो गया, इसके मतलब नहीं है दैट यू हैव टू कट एवरीथिंग ऑफ, ठीक है. मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि और मेडिकल कॉलेज में जाओगे, यूट्यूब कैसे चलाओगे, ये सब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा. लिटरली मेडिकल स्टूडेंट्स ही मुझे ये बोल रहे होते थे, तुम सब्र करो, तुम मेडिकल कॉलेज में आओ, तुमसे यूट्यूब वगैरह भूल जाएगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन सेकेंड ईयर एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग डूइंग व्हाट आई लव एंड आई एम कैरिंग ऑन विद माई स्टडीज एज वेल. तो ऑनेस्टली यू डू नॉट हैव टू कट एवरीथिंग ऑफ. You can continue whatever your hobbies are, you can continue going out with your friends. ये है, थोड़ा बहुत sacrifice करना पड़ेगा आपको. अगर for example आप मेरी तरह कुछ आपकी hobby है side पे, जैसे मेरी YouTube है, तो time आप किस तरह निकालोगे? Time आप निकालोगे by sacrificing on other things. For example आपके दोस्त जा रहे हैं सब बाहर खाना खाने, ठीक है, कुलाची,
तो आपको पता है कि आपने एक YouTube वीडियो बनानी है, तो आप जो है उनको कैंसिल करोगे, आप कहोगे आई कैंट कम विद यू बिकॉज आई हैव टू मेक अ YouTube वीडियो, एंड दैट इज़ हाउ यू बेसिकली मैनेज अदर थिंग्स विद मेड स्कूल. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इट्स एन एक्चुअल इशू इन मेड स्कूल. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और काफ़ी लोग जो है एक्चुअल डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या इस चीज़ से कोप करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम. यू शुड हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपको पता हो कि यार देयर कैन बी फैमिली, स्पेशली इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम. मैं कराची में रहता हूँ, माई फैमिली इज़ इन पेशावर, आई लिव इन अ हॉस्टल. तो अगर आप दूर रह रहे हो घर से, स्पेशली उस वक्त पे आपके पास आपके दोस्त होने चाहिए हु यू कैन कंसिडर एज फैमिली. कोई भी आपके ज़िंदगी में कोई भी मसला चल रहा हो, देयर कैन बी देयर फॉर यू टू लाइक चेयर यू अप और बी देयर फॉर यू. ठीक है, तो डेफिनेटली हैव दोज फ्रेंड्स. आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा. पहले स्टार्ट में बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं कि यार आई नो दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई पर्सन. उसके अलावा टेक वन थिंग एट अ टाइम. आगे का अगर बंदा बहुत सोचे तो तब भी बहुत ही स्ट्रेस और एनजाइटी होती है कि यार अभी इसके आगे स्टेप भी देना है, उसके आगे रेजिडेंसी भी करनी है, तो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल होता है. तो छोटे छोटे गोल्स रखो. अभी आप रेजिडेंसी और स्टेपिंग को छोड़ो, अभी आप आगे जो आपका मॉड्यूल आ रहा है, प्रॉफ भी छोड़ो, मॉड्यूल जो आ रहा है उसके लिए फोकस करो. जस्ट सेट स्मॉल गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड जस्ट नो दैट यू आर गोना गेट थ्रू दिस. एंड अगर एक और मैं बात बता दूं, या एक्चुअली रियली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, जब आप मेड स्कूल में आओगे देर इज़ गोना बी सम वेरी वेरी स्मार्ट पीपल अराउंड यू. ठीक है, अपने स्कूल में आप बड़े टॉप पे होते हो, अपनी क्लास में आप बड़े टॉप पे होते हो, जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, आप कहते हो आई एम नो डिफरेंट, देर ऑल लाइक मी और देर एक्चुअली स्मार्टर देन मी. तो कभी भी कॉम्पिटिशन में नहीं पढ़ना, बहुत ही टॉक्सिक होता है इफ़ यू एक्चुअली गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन वाली चीज़ के यार इस बंदे इससे ज़्यादा मैंने मार्क्स लेने, क्योंकि यू रेयरली गोना बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग आते हैं. टेक इट फ्रॉम मी. तो अपने लिए गोल सेट किया करो. फॉर एग्जाम्पल मैंने 80% से ज़्यादा लेना है, रिगार्डलेस ऑफ उस बंदे के कितने आ रहे हो, उसके अगर 99 भी आ रहे हैं डोंट केयर, मैंने 80% अपने लिए टारगेट रखा है, 80 से ज़्यादा मैंने ले लिया, आई एम हैप्पी विद दैट. ये होना चाहिए. ठीक है, कम्पीट विद योर सेल्फ, डू नॉट कम्पीट विद अदर पीपल. और हाँ, अगर छोटे मोटे सेटबैक्स आ जाएँ डू नॉट लेट देम गेट टू यू. अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास आपने कोई मॉड्यूल फेल कर लिया या उतने मार्क्स आपके नहीं आए जितने आपको लग रहे थे कि आएंगे, तो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. इट डज़ नॉट मैटर दैट मच इन द लॉन्ग रन. इट डज़ नॉट मैटर सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त के आपसे अच्छे मार्क्स आए, डजंट मीन ही इज़ गोना बी अ बेटर डॉक्टर. At the end of the day, both of you are going to become doctors, and that is what matters. And the last thing I'm going to talk about is how to adjust living away from home. Initially, it's going to be difficult. ठीक है, घर में आपके कपड़े धुल रहे होते हैं, आपको खाना मिल रहा होता है अपने बेड में, ठीक है, आपकी हर एक चीज़ हो रही होती है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आप आते हो, you're mostly on your own. It's going to take you time. Not going to lie, it took me like months to settle in. And you're gonna do it. You should have good friends. Seniors से help मांगो ज़रूर, जो आपके hostelites खासकर seniors होंगे उनके साथ बना के रखो. इधर हमारा बिल्कुल family की तरह माहौल होता है, मेरे कमरे में पानी वगैरह ख़त्म हो जाता है, कभी कभी मुझे दूध चाहिए होता है, सीरियल चाहिए होता है, एक दूसरे के कमरों में हम जाते हैं, ठीक है, किसी और से उठा लिया, तो बहुत ही family की तरह का एक यहाँ पर माहौल बना हुआ है. तो मेक श्योर यू हैव दैट विद योर फ्रेंड्स, एंड योर फ्रेंड्स आर बेसिकली गोना बी योर न्यू फैमिली अवे फ्रॉम होम. तो मेक श्योर यू आर केयरफुल अबाउट द फ्रेंड्स दैट यू आर मेकिंग. एंड विद दैट सेड आई एम गोना ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है. I hope you enjoyed and I hope that this video helped you. क्योंकि मुझे पता है start में जब लोग आते हैं तो काफ़ी confused होते हैं, they don't know where to go, they don't know what to do, they think about quitting all the time, and I just wanted to tell you कि it's all normal and it's gonna go away. If you found this video helpful, do me a favor and drop a like on this video. Comment करें अगर आपको help मिली है, और आपका कोई भी दोस्त या कोई भी family member, whoever, if they're doing medicine और अभी वो जो है first year में आए हैं, तो definitely share this video with them so that they can get some useful information from it. Subscribe to this channel because this is where I will be posting my study related stuff from now on. And yeah, with that said, thank you so much for joining. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.